जैसे ही आपके वॉशिंग मशीन में आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे मशीन में कुछ बहुत बड़ी खराबी हो गई है। तो आज हम इसी खराबी के बारे में जानने वाले हैं और इसको प्रैक्टिकली ठीक करने वाले हैं, किस तरीके से ठीक होता है नॉर्मल खर्चे में बिना गियर बॉक्स चेंज किए हुए। तो देखिए इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमको ड्रेन इसका स्पिन चालू करके चेक कर लेना है कि यहाँ पर हमारा किस तरीके का आवाज़ आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा जैसे हेलीकॉप्टर या ट्रैक्टर या कोई इंजन चल रहा हो, इस तरीके का हमारा इसमें आवाज़ आ रहा है। तो इस आवाज़ को हम कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पूरा ड्रम जो है वो लूज हो चुका है। ड्रम को खोलने से पहले सबसे पहले हम पल्सेटर को खोलेंगे। यहाँ पे जो नट लगा रहता है इसको हमने खोल दिया है, अब यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। और यहाँ से निकालने के बाद यहाँ पे हमको एक नट दिखेगा, ये नट को हमको चेक करना, ये ढीला तो नहीं है। देखिए इसमें किस तरीके से ये नट हमारा जो है वो ढीला हो चुका है। तो यहाँ पर हम टाइट कर रहे हैं फिर भी ये टाइट नहीं हो रहा है, मतलब इसका जो नट है वो खराब हो चुका है, घसने की वजह से इसकी जो घाट है वो कट गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा गियर हब जो है, जो इसको हम ड्रम हब भी बोलते हैं, वो हमारा ठीक है या वो भी कट चुका है। तो यहाँ पे देखिए हम जैसे ड्रम को घुमा रहे हैं, ये हमारा खाली हब ही घूम रहा है और इसका गियर बॉक्स बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम ऊपर का पोजिशन को खोलने वाले, यहाँ पर दो नट होते हैं इसको खोलेंगे और पीछे भी नट होते हैं। तो यहाँ पे हम नट को खोलकर वापस क्या हम प्रोसेस करेंगे जो हमारा मतलब ठीक हो सके मशीन। इसमें लंबे लंबे स्क्रू आते हैं कुछ इस तरीके से, तो आप वहाँ पे इसको आसानी तरीके से खोल सकते हैं, बड़े आसान होता है खोलना इसको। आप इसको जैसे ही खड़ा करेंगे, यहाँ पे हमारे बैलेंस पट्टी जो आपको दिखा देता हूँ अभी, यहाँ पर हमारा ये जो बैलेंस पट्टी होता है इसको हम खोल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बैलेंस पट्टी को खोल लिया है और यहाँ पे देखिए इसका जो मेरे को लगता है ड्रम जो है वो टूट चुका है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घसने का जो ड्रम है घस के वो चिपक गया है। अब ड्रम निकालने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ड्रम निकालते हैं, यहाँ पे हमारा पूरा जो ड्रम का लिक्विड पोजीशन होता है वो कट के स्वाह हो चुका है, मतलब ये ड्रम बिल्कुल फेल हो चुका है। लेकिन फिर भी हम चलाने वाले हैं और इसका जो एरिया है वो भी पूरा गोल हो चुका है, चूँकि ये गोल नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम इस हब को खोलने वाले हैं, तो किस तरीके से इसको खोलना है और क्या चीज़ हमको इस हब में करना है ये आपको वीडियो में पता लगने वाला है। तो यहाँ पे हमको चेक कर लेना है इसका नट जो है, जहाँ लगता है वो घरारी कटा तो नहीं है। चलिए हम हब को खोल लेते हैं। सबसे पहले नट, तीनों नट को बारी बारी खोल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे ये आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे हमारा नट खुल चुका है, हम पेचकस की मदद से इसको जैसे ओपन ही करेंगे। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ का जो इसके बीच का गियर पोजीशन है वो बिल्कुल गोल हो चुका है। और हम दूसरा जो दिखाने वाले हैं आपको दिखाइए, ये देखिए हमारे पास नया आ चुका है, ये LG का है। यहाँ पे इसका जो बीच का पोजीशन है ये चार कोन का बना हुआ है, ये गियर बॉक्स पोजीशन में आता है। अब इसको हम फिट करने वाले हैं, फिट करके लगाएंगे और चेक करेंगे हमारा आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको हम नट फिट करके आपको दिखा देते हैं, तो आसानी होता है यहाँ पे फिट करना। यहाँ पे हमने नट को फिट कर दिया, अब इसका जो ड्रम है हम मतलब मशीन में डालकर फिट करने वाले हैं। ड्रम को फिट करने जैसे ही करेंगे यहाँ पे हमारा आसानी तरीके से बैठ जाएगा। और एक बार हम घुमा के चेक कर लेंगे हमारा मतलब जो हमने हब डाला है वही भर घूम रहा है या पूरा गियर बॉक्स घूम रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम घुमा रहे हैं हमारा पूरा गियर बॉक्स रोटेट कर रहा है, मतलब ये फिक्स टू फिक्स बैठ गया है। अब इसके ऊपर हमको चेक नट लगाना बाकी है और इसको टाइट भी करना बाकी है। तो चलिए इसको फटाफट टाइट कर लेते हैं और आगे क्या करना है ये आपको बताता हूँ मैं, वीडियो बने रहिएगा। यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से नट को टाइट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हम हिला डुला के चेक कर लेंगे, यहाँ पे देखिए कट गया है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं। टेंशन की बात तो होती है लेकिन क्या कर सकते हैं, नया ड्रम डालेंगे काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा, तो यहाँ पे हम इसी को यूज करने वाले हैं। अब बैलेंस पट्टी को अच्छे से बैठा लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम चला कर चेक भी कर लेंगे कि हमारा अच्छे से ड्रम जो है वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा है।
तो अब यहाँ पे देख लीजिए, एक चीज़ आपको देखना जरूरी है, हमारा ड्रम जो है बैलेंस पट्टी के ऊपर कहीं लड़ तो नहीं रहा है। ये चीज़ आपको खास करके ध्यान देना है कि आपका ड्रम बैलेंस पट्टी के ऊपर नहीं लड़ना चाहिए। अब चलिए उसके ऊपर का हम पीसीबी पोजीशन लगाते हैं। ये हमारा जो पूरा कवर है ऊपर का, ये हमने लगा दिया। अब स्पिन करके चेक करने वाले हैं कि हमारा आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम डायरेक्ट स्पिन चालू कर दिए हैं और यहाँ पे हमारा जो है ड्रेन मोटर वो हमारा खींच रहा है, मतलब खींच चुका। अब यहाँ पे हमारा मोटर जो है वो घूमना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आवाज़ एकदम साइलेंट हो गया है और अभी जो भी आपको नॉइस सुनाई दे रहा है थोड़ा बहुत, ये हम पैक करेंगे, उसके बाद सारा नॉइस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उससे पैक करने से पहले हमको सारे चीज़ इसमें फिट कर लेने हैं। उसके पहले हम पल्सेटर को अच्छी तरीके से फिट करेंगे इसके अंदर, ताकि हमको बाद में कोई दिक्कत या महसूस ना हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा आप पल्सेटर के नट को टाइट मत करिएगा, नॉर्मल करिएगा, ताकि पल्सेटर हमारा फ्री आसानी से घूम सके। तो यहाँ पे हमने टाइट कर दिया और इसके ऊपर हम नट कवर लगा देते हैं। ये हमारा सेफ्टी कवर हो गया। ओके, अब हम इसमें वॉश करके चेक कर रहे हैं कि हमारा वॉश में भी कंप्लीट चालू है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट ओके हो चुका है। तो दोस्तों अगर जो आपको किसी भी प्रकार की सामान की आवश्यकता है, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स आपको चाहिए, तो आप हमको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इस कॉन्टेक्ट का नंबर जो है आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपके कमेंट में भी पिन कर दूंगा। आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई भी आइटम ले सकते हैं, एसी का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, कोई भी आइटम आपको अवेलेबल हमारे इधर मिलेगा।